दोस्तों एक भाई का कमेंट आया कि सर आप हर वीडियो में पैसा बचाने की बात करते हो, पैसा बचाने की बात करते हो, जब मैं पैसा कमाता हूँ, जब मुझे सैलरी मिलता है तो मैं लगभग 2 से 3 दिन नहीं जाता हूँ ड्यूटी और अच्छे से मौज मस्ती करता हूँ क्योंकि मैं अभी जवान हूँ। अगर अभी मौज मस्ती नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में करूंगा? मैं भी जवान हूँ और मैं भी आप ही के जैसा गलती किया। जब मैं कमाना शुरू किया ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ, बॉम्बे घूम चुका हूँ, सॉरी बॉम्बे नहीं, कलकत्ता घूम चुका हूँ, नोएडा घूम चुका हूँ और ये सब पैसा कमा कर और अच्छा खासा मैंने खर्च भी करता था, अच्छे अच्छे मॉल मूवी। जब पढ़ाई के समय बता देना तो मेरे पॉकेट में हमेशा 2000-3000 आते थे पढ़ाई के समय में। और अभी मैं कमाता हूँ, कमाने का मेरा जरिया 2 से 3 है लेकिन फिर भी 1 रुपए भी नहीं रहता, और रहता भी है तो मैं उसे साइड कर देता हूँ क्योंकि हमसे ज्यादा खर्चीला व्यक्ति आप नहीं हो सकते। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे फोन पे में अगर 5 रुपए भी रहता है ना तो जाके चॉकलेट ले लेता हूँ, फोन पे कर देता हूँ, दुकानदार भी हंसता है, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया। अगर ये वीडियो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लेना। मैंने महीने भर का किया खर्चा और इनकम दोनों लिखा। अब विश्वास नहीं करोगे, जो मेरा इनकम था महीने का 16,000 रुपए था, जो खर्चा था 32,900 रुपए। वो पैसा कहाँ से मेंटेन हो रहा था? देह पे कर्ज चढ़ रहा था, जैसे कि बाकी तेल हो गया, मसाला हो गया, सब्जी हो गया, दुकान का मटेरियल हो गया। ठीक है, और उसके बाद जितना YouTube से पैसा आता था मेंटेन करते थे और उसके बाद देह पर जो लदा गया और इसी तरीके से कर करके मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे विश्वास हुआ कि रियल में इंसान को, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब करने वाला व्यक्ति को तो पता रहता है कि मुझे महीने का 10,000-15,000-20,000 मिलता है। अगर आप बिजनेस करते हो या वर्कर हो, डेली पैसे कमाने वाले हो, तो आप जरूर लिखा करें कि आप कितना कमाए और कितना खर्च किया। इससे आपका आइडिया मालूम चल जाएगा कि मैं जितना कमाता हूँ उसी के दायरे में रहना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। क्योंकि 10-10 रुपए करके, 20-20 रुपए करके इतना ज्यादा खर्च हो जाता है ना 50-100 करके कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर यकीन ना हो तो आप एक महीना मात्र अपना खर्चा और इनकम दोनों लिख के चलो। अभी बचत मत करना, जैसे करते हो सही करो, उसके बाद रियलाइज होगा कि मैंने जो बोला है कितना सच्चाई है। इसका पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर, बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर आप पूरा देखना, तब जाके पता चलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि हमसे ज्यादा खर्च चला नहीं हूँ, बता दो मेरा खर्चा क्या था। अभी मैं जो भी कमाता हूँ, पैसा होते ही जो इंटरेस्ट वाला होता है सूद वाला उसको दे देता हूँ, जो लोन होता है अगर फोन पे कोई करता है तो मैं डायरेक्ट रेफर कर देता हूँ दूसरे खाते में, जिससे फोन पे भी ना हो और आधार कार्ड भी लिंक ना हो, जैसे कि चाहे दूसरे के, जैसे कि भाई खाता हो गया, मम्मी खाता हो गया, चाहे वाइफ खाता हो गया, इस तरीके से आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए कब पैसा निकलेगा, जब आपको ज्यादा जरूरी होगा तब जाके रिक्वेस्ट करो कि मम्मी निकाल दो, चाहे वाइफ को, कि हाँ निकाल दो, इस काम ये काम है। अगर आपके पास रहेगा किसी से पूछने जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये बचाने का बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप चाहो तो डेली का कुछ पैसा खर्चा, अगर आप चाहो तो डेली का कुछ पैसा बचा सकते हो। और हाँ, आप जो कमेंट किए हो ना भाई कि आपके पास पैसा होता ही खर्चा हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब सैलरी उठे ना तो उसे आप मात्र 15 दिन बचा के देखो। हमें पता है कि वो पैसा आप 10 दिन में खत्म कर देते हो लेकिन 20 दिन बिना पैसे गुजारते हो, लेकिन पैसा रहते हुए आप नहीं गुजार सकते हो। पैसा आप रहते हुए, उस पैसा को रहते हुए तो नहीं, 10 दिन गुजार के देखो, नहीं गुजरेगा। उसी पैसा को, जो पैसा अपना जो खुराकी है उसको काट कर जितना पैसा बच रहा है ना, अपने मम्मी के, वाइफ के, चाहे किसी खाते में ट्रांसफर कर दो। उसको बोल दो कि ये पैसा मुझे 10 दिन के बाद, चाहे 15 दिन के बाद मांगूंगा तब भी निकाल के देना। तब आपको पता चलेगा कि पैसा बचाना कितना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।